झूठ काहे बोलली? ओ दिन जब मम्मी केक काटत रहली तो आप हमरा से कहली कि हमार भैया हमरा होके से पहले ही गुजर गए। जबकि मम्मी कहत बाड़ी की वो जिंदा बा। झूठ काहे बोली पापा? बोली ना पापा, मम्मी तक कुछ बतावत नहीं थे। आप ही बताएं, कहां बा हमार भाई? वो हमनी के पास काहे नहीं रहला? कौन वजह से वो हमनी से दूर रहत बा? मम्मी ता ए बार भैया के पावे खातिर छठ मैया के व्रत भी रख ले बाड़ी। हमरा के अपन भैया से मिले के बा। पापा बता ही ना पापा, कहां बा हमार भैया? हिमानी, हम तोरा के कहले रहली ना कि छठ बितला के बाद तोरा के सब पता चल जाई, फिर तू काहे अपने पापा के परेशान कर ले बाड़ू? हम परेशान करत बानी कि पूछत बानी? आप से पूछत है तो आप नहीं के बतावत, पापा से पूछत है तो पापा नहीं के बतावत, फिर केकरा से पूछी हम? हमार मन के हालत तो केहू समझत ही नहीं के, बिना मतलब के सस्पेंस बना के रख ले बानी आप लोग। ठीक बा, बात बताई भैया के बारे में, जाते ही हम। ये तू का कर रही है? काहे अपने हाथ से अपन घर के सुख शांति में आग लगावत? हम तोरा के समझौले रहली ना कि हमने के ए मामला में अब फिर बात ना करा, तब तू काहे काहे तू हिमानी के सामने मुंह फाड़ लो? अब का जवाब दे हम ओकरा के? तू तो कह दे कि छठ के बाद ओकरा के सब सच्चाई बता दे। बता देखो, कह देखो ओकरा के कि ओकरा भाई के हमारा थाले में छोड़े ले रही? तारा दिमाग में का बा कि हमरा नहीं खे पता, पर तू ये सब ठीक नहीं कर दो। और तो और, तू बेटा के पावे खातिर छठ के व्रत भी रख ले लो, ये जानत बुझत कि ऐसा संभव नहीं है। संभव हो जाए, छठी मैया की कृपा से ये संभव हो जाए। हमरा लगा था कि जल्द ही हमार बेटा हमरा से मिले वाला बा, छठी मैया के कारण जल्द ही हम अपन बेटा के देख पाए। अच्छा, जवन बेटा तोरा से 20-25 साल में नहीं मिलल, वो अब तोरा के अचानक से मिल जाए? कैसे? जादू से? श्रद्धा, अरे छठ मैया पे इतना अंधा भरोसा भी करल ठीक नहीं खे। आप भले ना मानी, पर देख ले बाप, जवन दिन हम छठ मैया के भोर के अर्घ देव, हमार बेटा वही दिन हमरे सामने होखी, देख ले बाप। तरह का समझावल बेकार बा, पता ना का होखी करके।
आ गई लिया आई बैठे का बनते पीछी बा कौनो तरीका बा ऑफिस में बैठे के अभी हमार कुर्सी पे आपकी कुर्सी की कुर्सी भी ना पूरा देश में ये कुर्सी के ही झगड़ा बा हर केहू बस कुर्सी पाए के चक्कर में लगल बा कसहू कुर्सी मिल जाए बस खैर छोड़ी बैठी तू तू इतना बदतमीजी से बात कर रहा बड़ा हमारा के तहरा से ऐसा नालायकी की उम्मीद ना रहा ताजुब बा जौन आदमी खुद दूसर लोग के धोखा देवेला दूसर के इमोशन से खेलेला केहू और के नालायक कहता का मतलब मतलब भी समझ में आ जाए आपके धीरे धीरे बैठ जाई अभी तो हम आपके कुर्सी ऑफर करता नहीं खाल शायद यो ना करी कुछ ज्यादा ही बोला तोरा लगा था कि हमरा पीछे ऐसा कुछ भइल बा जैसे तहार दिमाग खराब हो गया बा हमरा के तहरा की ऑफिस के हेड ना ही बनावे के चाहत रहा तहरा के पहचाने में हम बहुत बड़ गलती कहनी एगो बात बोली सर कुछ काम ऐसा होखेला जब कैला के बाद वापस नहीं हो सकेला जैसे कमान से निकलल तीर कबो वापस आवेला नहीं बंदूक से निकलल गोली क्या गोली वापस आई नहीं वैसे ही जौन गलती आप कर चुकल बानी वापस नहीं हो सकेला अभी तो ये शुरुआत बा आपन ये गलती के और का खामियाजा आपके भुगते के पड़ सकेला यो आपके जल्द पता चले का पता चल जाए का कहल चाहत बड़त हो का कैले बड़त रुकी रुकी बहुत सवाल करत हैं आप जवाब देवे में बहुत समय गुजर जाए ऐसा करी आज आप पूरा दिन ऑफिस में गुजारी एजा के काम देखी आपके अपन हर सवाल के जवाब खुद ब खुद मिल जाए उकरे बाद भी आपके लगल कि बहुत सवाल के जवाब अभी बाकी बा जौन आप हमरा से पूछल जा तो हमरा के याद कर ले बंदा हाजिर हो जाए तब तक खातिर गुड बाय खाना बन गया जेब के फुटकर पैसा खत्म होती घर के याद आ गई अरे काले से को बात करे के रहा घर में को जवान बेटी बैठल बिया कोनो चिंता बा कि सब लाज शर्म घोर के पी गई ली जाई जाके नीलू के रिश्ता के बात तय करके आई पर केकरा से भाई अरे लड़का कहाँ बा अरे उहे लड़का से जो दीपक के मौसी बतावले रहल और दहेज के कारण बात आगे ना बढ़ल अच्छा तो काउ लोग बिना दहेज ब्याह खातिर तैयार हो उनका नहीं तो फिर बात आगे कैसे बढ़े भाई कि दहेज कहाँ से आई अरे हमार सोनिया बिटिया हमनी के मदद करी वो अपन भाई से बात कह के नीलू के ब्याह खातिर कुछ पैसा हमनी के दिला दी अच्छा अभी सोनिया जी सोनिया बेटी हो गई बड़ा दयालु बाड़ी तहार सोनिया बेटी लगातार दानवीर करण के बाद इनकरे नाम लोग लिहन अच्छा एक बात बता कि हमनी पे इतना एहसान काहे करत बिया एहसान कैसन वो अपन होके वाला ननद के खातिर ये सब करत बिया और नीलू के ब्याह के बाद ही वो दीपक से ब्याह करी अरे दिमाग खराब हो गेल बताही के पैसा देख कर के आना हो गेल बड़ा अरे वो लड़की तहनी के अपन जाल में फसावत बिया और तू लोग हो के फंस जात हो एकरा में कतो चाल बा
फिर भाषण शुरू कर दे। और बात माना, उहे लेके हमरा के जाली नोट रख के फसौले रहलस, उहे के कारण तू थाना गेल रहलू। बस बहुत सुन ले ली, अब आप हमार सोनिया बिटिया के खिलाफ कुछ ना बोला, एक शब्द भी नहीं। वही तोहार सोनिया बेटी के खिलाफ कुछ नहीं बोला, लेकिन जब ले तहनी के पास दहेज के पूरा पैसा ना आ जाए और हम अपन आंख से नहीं देख ले, अब हम रिश्ता करे नहीं जाए। अगर ऐसन बात बा तो हम मौका देखकर सोनिया से पैसा मांग ले। अरे उकर भाई के पास तो पैसा के समंदर बा, एक दो लोटा निकाल दिया तो कोनो फर्क ना पड़ी। 2-3 लाख भी अगर दे दिया ना तो हम नीलू के ब्याह आराम से कर दी। हम हाँ। देखत हैं कि लड़की 2-3 लाख कहाँ से लाई। बहुत जल्दी लड़की की असलियत सबके सामने अपने आप उजागर हो जाए। ऑफिस में इतना कुछ हो गया और किसी ने मुझे कुछ नहीं बताया, सब आंख कान बंद करके बैठे रहे, मुझे एक फोन तक करना भी गवारा नहीं समझा। उस चीटर ने बोगस कंपनी खोलकर कंपनी के सारे पैसे अपने नाम कर लिए और आप लोगों में से किसी को कुछ पता ही नहीं चला। सर मैंने सम्राट से पूछा था, उसने बताया कि इस कंपनी से बिल्डिंग मटेरियल सस्ते रेट पर हमें मिलेगा और कंपनी को काफी फायदा होगा। फायदा माय फुट, वो बेईमान अपने फायदे के लिए सब कुछ करता रहा और तुम सब देखते रहे, और तो और मेरे दिए पावर ऑफ अटॉर्नी का फायदा उठाकर वो मेरी आधे से ज्यादा प्रॉपर्टी अपने नाम कर दिया। पता है तुम लोगों, वो घपले पे घपला करता रहा और तुम सब देखते रहे। क्यों? इसलिए कि वो 3 महीने का बोनस देकर तुम सबों की जुबान जो बंद कर दिया था। तुम सबों को सही गलत की कुछ पहचान भी नहीं रही। इतने सालों से तुम लोग हमारी कंपनी में काम कर रहे हो, वाह क्या नमक का फर्ज अदा किया है तुम लोगों ने। सर मुझे नहीं लगता कि सम्राट ने ऐसा कुछ किया होगा, बुरा मत मानिएगा सर, पर सम्राट आपसे बेहतर तरीके से इस कंपनी को चला रहा था। व्हाट? क्या कहा तुमने? वो कल का छोकरा जो बिजनेस का ABCD सीख रहा है, उससे बेहतर ढंग से कंपनी चला सकता है? जी सर। व्हाट जी सर? नमक तुम मेरा खाते हो और तारीफ उस नालायक की कर रहे हो? क्योंकि वो तारीफ के काबिल है सर, वो स्टाफ को सिर्फ नौकर नहीं समझता है, भागीदार समझता है और अपने साथ कंधा से कंधा मिलाकर चलने की ताकत देता है। Let's go. Out. Get out. I say get out. तुम जैसे नीच आदमी के लिए इस कंपनी में कोई जगह भी नहीं। मुझे भी जरूरत नहीं है आपका गुलाम बनकर काम करने की, क्या रहा? लेकिन देख लीजिएगा, आपसे भी बड़ी कंपनी सम्राट इस पटना में खोलेगा और मैं संभालूंगा वहां का A to Z काम, फिर मजा आएगा टक्कर देने। किसको टक्कर देगा? निकल यहां से, मैंने कहा निकल यहां से। गुड बाय सर। कूल डाउन सर। सर मुझे लगता है राकेश ठीक कह रहा है, जरूर कोई गलत फहमी हुई है, सम्राट ऐसा लड़का नहीं है। आप प्लीज उसे बुलाकर एक बार बात तो कीजिए। एकदम चुप। खबरदार जो एक भी लफ्ज उस बेईमान के लिए निकाला तो, जब सब कुछ आईने की तरह साफ साफ दिख रहा है तो क्या पूछूं मैं इससे? जाओ तुम यहां से, निकल जा। सॉरी सर।
सिर्फ तोहरा वजह से हम ओकरा के 2 दिन दे ताने। ये 2 दिन में हमार पैसा, हमार प्रॉपर्टी हमरा के वापस करके ये पटना शहर छोड़ दे। हम ना ही चाहत बानी जौन सम्राट के तो इतना पक्ष लेत बाड़ू, काल के ओकर चेहरा भी देखेगा ना। लगातार एक दुहे चाल में बौखला गई बा। अभी तो खेल शुरू भइल बा। आज के बाद तू और तोहार माई ओकरा से मिल लू या बात करके कोशिश कर लू। तब हिमानी के कहे डांटा था नहीं।